हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम यहाँ पर आइडियाज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम यहाँ पर ए बी और सी तीन कंटेनर्स ले रहे हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो ए बी सी के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। हमें एक तीन कंप्यूटर पेपर्स हमें चाहिए होंगे इसके लिए। ओके सो हमारे पास 1, 2 एंड जस्ट 3। ओके गाइस, तो फिर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो अपने हमने तीन कंप्यूटर पेपर्स हमने यहाँ पर लाइनिंग कर ली है एंड देन वी हैव ओके। तो हमें जो है वो इस को बनाने के लिए हमें अप्रेटस चाहिए होंगे। सबसे पहले एक पेंसिल चाहिए होगी, देन हमें स्केल चाहिए होगा, देन हमें मेज़ चाहिए होगी एंड देन वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियाज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रोमिनेंट हेडिंग डाली है एंड देन वी हैव टू राइट, हम इसका क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, हम पहले क्यों लिखते हैं एंड देन इन्वेस्टिगेट द कंडीशन required for the seed to germinate। ओके, हम ये क्वेश्चन राइट डाउन कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को समझिए और हम इसका आगे का एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं ए का, जिसके अंदर हमें सोक हमें पीस या मेज़ या बीन्स वॉट एवर वॉट यू हैव टू वॉन्ट, आपको जो कुछ भी चाहिए आप वो राइट डाउन कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है वो मेज़ का हम बना रहे हैं, लेकिन हम लिखेंगे पीस ही, क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन में हमें पीस का ही फाइंड आउट करना था। ओके, जो हमने जो है यहाँ पे बॉक्स बना लिया है एंड देन हम यहाँ पर लिख रहे हैं सॉक्ड पीस ड्राई कॉटन वुल, मतलब भीगे हुए मटर, भीगे हुए कॉर्न, भीगे हुए बीन्स, वॉट एवर कुछ भी आप ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पर जो है जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करें, तब तक पहले जो है वो हमें आपको बता देते हैं कि अगर हम ए में हम करेंगे तो हमारे हमें लिखना क्या होगा कि जब आप न्यू आप कॉटन ड्राई कॉटन के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी। ओके, आपके पास उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। उसके बाद जो है वो हम जो है वो बी वाला लिखते हैं, बी में वो हमारे पास क्या बोलेगा। ओके, यहाँ पे हम बी के अंदर जो है वो बॉक्स बनाएंगे, बी का जैसे हमने ए में बनाया है वैसे ही हम यहाँ पर बी में बॉक्स बनाएंगे और बी की हम वर्डिंग लिखेंगे। ये हमने बी की वर्डिंग बना दी है, अब हम बी की जो है वो वर्डिंग क्या लिखेंगे डब्बा बनाने के बाद हम बी की वर्डिंग लिखेंगे, द सीड कैन स्टार्ट द रॉट। ओके, मतलब जो सीड की जो जड़ें हैं वो निकलना शुरू हो गई। ओके, अब हम सी का जो है वो हम जो है वो सी का यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं और फिर जो है वो हम सी के बारे में लिखेंगे। सी के बारे में हम क्या लिखेंगे, व्हेन यू सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 1 वीक। ओके, 1 वीक बाद जब आप इस भीगे हुए सीड को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ही देखेंगे कि सीड जो है वो बन चुकी होगी, जर्मिनेट हो गई होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने जो है वो एक कॉटन के पीछे जो है वो हमने ग्लू लगा दिया एंड देन वी हैव टू पेस्ट इट, फिर उसके बाद हमने ए बॉक्स में पेस्ट कर दिया है और अब हम यहाँ पर कॉर्न जो है वो पेस्ट करेंगे। कॉर्न पेस्ट, आप ग्लू जो है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रेटस होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ग्लू ले सकते हैं आप, USU ले सकते हैं आप जो है वो गन ग्लू भी ले सकते हैं जिससे वो अच्छा लगे। ओके, अब मैं आपको उसको निकाल के दिखा रही हूँ, ये नहीं गिरेगा क्योंकि ये बहुत मजबूत मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, तो हमने यहाँ पर जो ये लिए, ये हमने ड्राई कॉटन लिए है और सॉफ्ट पीस लिए हैं। ओके, अब हम बीज जो है वो पीस सॉल्व करेंगे यहाँ पर।
बी में हमने जो है वो वेट कॉटन ली है एंड देन वी हैव टू पुट सोक्ड जो है वो पीस हम यहाँ पर डालेंगे. ओके ये देखें हमने गन ग्लू से जो है वो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे. ये हमने गन ग्लू यहाँ पर डाला है, हमने इसकी एक लेयर बना दी है एंड देन हम इसके ऊपर सीड्स को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ओके तो ये तो हमारे पास सी था. सी जो है वो हमारे पास ये है, हमने जो है वो सी के अंदर हमें फुल जो है वो हमें कवर करना है. हमने फुल कवर कर दिया है, पानी के अंदर है हमारी जो सीड्स हैं वो हमारी पानी के अंदर हैं और हमने इसको कवर कर दिया है. ओके तो ये हमने सी का जो है हमने लिख लिया. अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट करने का एम क्या था. तो व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट का एम हमारे पास था एक्सपेरिमेंट का एम हमारे पास था कि ऑब्जर्व दैट सीड्स नीड टू वाटर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन. मतलब आपको हर सीड जो है वो एक ऑक्सीजन टेम्परेचर और वाटर को प्रोपोर्शनली इक्वली मांग रही है हर एक्सपेरिमेंट में. ओके हर एक सीड के लिए आपके पास ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, आपके पास पानी की भी ज़रूरत होगी और आपके पास एक परमानेंट टेम्परेचर की भी ज़रूरत होगी. ओके हेलो गाइस, नाउ आवर एक्सपेरिमेंट्स आर कंप्लीट. ओके तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका मतलब क्या था. देखें आइडियाज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन थी. बेसिकली ये एक तरीके से माइंड गेम था. ये हमारे पास क्वेश्चन थी, हमें तीन जो है वो ए बी एंड सी, हमें जो है वो यहाँ पर ए बी और सी तीन कंटेनर्स दिए हुए थे जिसके अंदर हमारे पास एपरेटस था कॉटन्स एंड वॉट एवर वॉट यू वॉन्ट विच टाइप ऑफ बीन्स विच टाइप ऑफ सीड्स यू वॉन्ट टू ग्रो. ओके आपको यहाँ पर जो है वो अपनी मर्जी की चीज़ें चाहिए थी जो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो. मैंने यहाँ पर कॉर्न को यूज़ किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए था सॉफ्ट पीस ड्राई कॉटन वुल, यानी कि हमें सॉफ्ट पीस ड्राई कॉटन वुल क्या कहते हैं उसको, जो कि भीगे हुए पीस होते हैं, मटर होते हैं, कुछ भी होते हैं. आप मैंने यहाँ पे पीस लिख लिया है क्योंकि जो है वो मैं भूल गई थी. ओके तो जो है वो आपकी क्वेश्चन में जो था मैंने वो एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया है. ओके ड्राई कॉटन वुल चाहिए हमें, मतलब सूखा हुआ एक कॉटन चाहिए. तो उसके अगर हम इसको एक कंटेनर में डालते हैं ओके तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है. एज अ रिजल्ट जर्मिनेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. इस कंडीशन में अगर आप गीली अगर आप एक सूखी हुई कॉटन और एक भीगे हुए मेज डालोगे तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी. ओके तो इसी तरीके से आपके पास बी था, आपके पास सॉफ्ट पीस वेट वॉटन कॉटन क्लोथ वुल आपको चाहिए. वेट किसको कहते हैं, एक गीली कॉटन को. हम यहाँ पर गीला कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे इस वजह से जो है वो हमने यहाँ पर ब्लू हमने यहाँ पर शेड दे दिया है पानी का. तो उसका उसके जब हम इस कॉटन को गीली करेंगे और उसमें हम जो है वो ये कॉटन ये सीड्स हम लगाएंगे तो ये हमारे पास किस क्या चीज़ बोलेगा. द सीड्स कैन स्टार्ट द रूट, जो जड़ जो सीड्स होती हैं वो अपनी जड़ें लेना स्टार्ट करेंगी. ओके एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है, कॉटन
सोक पीस कवर्ड विद वाटर, हमें यहाँ पर बिल्कुल कवर्ड कर देना है पानी से, आधा एटलीस्ट हमें पानी इसके अंदर डालना है कंटेनर में। एंड देन वी जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, व्हेन यू सोक द सीड्स ऑफ एन कॉर्न एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर वन वीक, जब आप एक वीक के बाद इस कॉर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास जर्मिनेट हो चुकी होगी। ओके, एक हफ्ते के बाद हम इसको कहाँ पे रख देंगे, एक रूम टेम्परेचर के ऊपर हमें इसको रखना है। ओके, अब लास्ट हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, उसका जो है वो हासिल करता एक अमल क्या था, उसका एक अमल था टू प्रूव दैट सीड्स नीड ऑक्सीजन। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि हर सीड को ऑक्सीजन की नीड होती है, पानी की नीड होती है और एक टेम्परेचर की नीड होती है इन इक्वल प्रोपोर्शन के हिसाब से, हर प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें उन चीज़ों की नीड होती है। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंट था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।